बिजनेस क्रिएट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए मैंने देखा किया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टूल्स या कुछ भी, तो मैंने जस्ट बाय यूजिंग माय हैंड लाइक उसको थोड़ा सा, कोई भी एक पेंसिल ले सकते हैं, कोई करते हुए कुछ तो बना हुआ है। I was actually shocked to see such a beautiful masterpiece made from paper. जो भी shapes है वो मतलब hand से आपने shape करना है उसको। Do good. Hats off to you, ma'am. कि मतलब painting या वो, but हाँ दोनों को mix करके अगर मैं देखूँ तो मेरा niche थोड़ा सा craft की तरफ ज़्यादा था। सही, आप चौके छक्के मारते हैं। Wow. मैं job भी कर रही थी, in between ऐसा हुआ कि नहीं अब सोच मतलब होता है कि थोड़ा career oriented हो ये सब, और आर्ट इज समथिंग कि उसको थोड़ा सा बैकफुट में रखा जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट को, है ना। इट लाइक दे डोंट सी क्राफ्ट एज अ करियर, पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या फ्रेंड का बर्थडे है, एंड वी रियली वांटेड टू गिफ्ट देम समथिंग जो उनके पास लाइफ लॉन्ग रहे और एज अ मेमोरी उनके पास स्टे करे। तो वो सारी चीजें भी हम इससे क्रिएट करते हैं एट रॉ एंड क्राफ्टेड दैट फ्रेम टू हर फ्रेंड, एंड ही वाज लाइक टोटली हिप्नोटाइज की वो आर्ट वर्क की तरह। वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस। एंड इस ब्यूटी का राज बताइए, एक टिप दीजिए हमारे लिसनर्स को। जी तो मैम